आज की रेसिपी है गर्मी में राहत देने वाली समर ड्रिंक नींबू पुदीना शरबत। एक ग्लास मन और शरीर को तरोताज़ा कर देगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मुनमुन और फूड सम चैनल में आपका स्वागत है। नींबू पुदीना शरबत बनाने के लिए मैंने इधर लिया है 1 कप पुदीने के पत्ते। फ्रेश पुदीने के पत्ते यूज़ करें इसके लिए। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है देखिए। और इधर मैंने 2 नींबू का रस लिया है, चम्मच से अगर नापेंगे तो ये 4 टेबल स्पून है। तो सबसे पहले एक ब्लेंडर जार में पुदीने के पत्ते को डाल देंगे। और इसमें अभी डाल दूंगी मैं नींबू का रस। इधर जो सारे मेजरमेंट है वो 2 ग्लास के हिसाब से है। अभी इसमें मैं डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच चीनी। चीनी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है काला नमक। आप चाहे तो इसमें रेगुलर नमक और काला नमक मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है भुना हुआ जीरा का पाउडर। इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर ही इस्तेमाल करें। तो इसमें मैं 1/4 कप के करीब पानी डाल दूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अभी इसको एक छलनी से छान लेंगे ताकि जो पुदीने के बड़े बड़े टुकड़े हैं पीसने के बाद वो अलग हो जाए। तो ये जो छन्नी में जो पुदीने के पत्ते हैं इसको फेंक देंगे। अभी मैंने 2 ग्लास ले लिया है। इसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल देंगे। ऊपर से 2 नींबू का स्लाइस डाल देंगे। ये गार्निशिंग के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके ऊपर से जो पुदीना का शरबत बना के रखा था वो 2 ग्लास में डिवाइड करके डाल देंगे। अभी ऊपर से मैं इधर पानी डालूंगी। आप चाहे तो सोडा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा बनता है। तो पूरा जो ग्लास है उसको पानी से भर दूंगी। अभी डेकोरेशन के लिए इधर मैंने कुछ लेमन के स्लाइस लगा दिया है और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते से इसको गार्निश कर देंगे। और इसको सर्व करने से पहले ज़रूर इसको चम्मच से थोड़ा सा हिला के उसके बाद ही सर्व करें। देखिए चम्मच से थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। तो इसको एक बार इस गर्मी में ज़रूर बनाएं। बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो रेडी हो गया है नींबू पुदीना शरबत। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।